हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 4 स्पाइडरमैन गेम इमुलेटर एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। ये सभी गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं। इसमें से दो गेम आपको ओपन वर्ल्ड मिलेंगे और दो गेम है वो लीगो ओपन वर्ल्ड स्पाइडरमैन गेम आपको मिलेंगे। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अपना रैम प्रोसेसर भी डिवाइस का बताइए ताकि मैं बता सकूं कि कौन सा गेम किस डिवाइस में कितना FPS पे चल जाएगा। ये सारे गेम सिमो V2 इमुलेटर में टेस्ट हो चुके हैं। सिमो V3, सिमो V4 अभी अगले वर्जन आने वाले हैं। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से ये टॉप 4 स्पाइडरमैन गेम है सिमो इमुलेटर के। नंबर 4 पे जो गेम है वो है लीगो मार्वल सुपर हीरो। साइज इसकी 6GB है। लीगो मार्वल सुपर हीरो में स्पाइडरमैन आपको मिलता है और ये साइंस एंड फ्यूचरिस्टिक टाइप आपको गेम मिलने वाला है और इसमें आप फ्री रोमिंग कर सकते हो। डॉक्टर ऑक्टोपस आपको विलन देखने के लिए मिलता है और इसमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट होती है। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, जितने भी मार्वल एवेंजर्स के सुपर हीरो है वो भी आपको इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर और 16GB रैम का डिवाइस है तो ये गेम आपका 44 FPS पे चल जाता है। मतलब एकदम स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, गेम आपका लैग करने वाला नहीं है। अब इस सिमो V2 में भी इतने अच्छे FPS दे रहा है लीगो मार्वल सुपर हीरोज, तो सिमो V3, सिमो V4 में ये गेम 16 FPS पे चल जाएगा। यदि 44 FPS पे चल जाता है सिमो V2 में तो आप इस गेम को जरूर ट्राई कीजिए और दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 3 पे जो गेम है वो है लीगो मार्वल एवेंजर्स। साइज इसकी 8GB है। लीगो मार्वल एवेंजर्स में भी आपको स्पाइडरमैन मिलेगा, ये भी गेम आपको ओपन वर्ल्ड मिलता है, आप फ्री रोमिंग कर सकते हो। साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, बाकी जितने भी लीगो मार्वल एवेंजर्स के अंदर सुपर हीरो डाले हैं वो सभी आपको मिलेंगे। लीगो मार्वल एवेंजर्स गेम है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 12GB रैम का डिवाइस है तो 22-23 FPS पे चल जाता है। लीगो मार्वल एवेंजर्स काफी अच्छे ग्राफिक्स में मिलता है। लीगो मार्वल सुपर हीरो से ये गेम ग्राफिक्स में भी बढ़िया आपको मिलता है और इसका विजुअल टेक्चर है वो काफी इनहेंस आपको देखने के लिए मिलती है, इसीलिए ये गेम 22-23 FPS पे चल रहा है। अगले वर्जन में ये 30-35-45 FPS पे चल जाएगा। सिमो V3, सिमो V4 जितने भी आगे वर्जन आएंगे इमुलेटर एंड्रॉइड के उसमें ये गेम चल जाएगा मक्खन की तरह। अभी थोड़ा लैग कर रहा है, 17-18 FPS पे कभी कभी इसके FPS जाते हैं। नंबर 2 पे जो गेम है वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। साइज इसकी 9GB है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन बहुत ही अच्छा गेम आपको मिलता है। ये गेम ओपन वर्ल्ड है, बिल्डिंग के अंदर सारे आपको मेन मिशन मिलते हैं, बिल्डिंग के बाहर आपको साइड मिशन मिलेंगे जो गुंडों से फाइट करने होते हैं वो बिल्डिंग के बाहर आपको मिलेंगे और मेन मिशन आपको बिल्डिंग के अंदर मिलते हैं। और इसमें रहनो बॉस है उसके साथ आपकी फाइट होती है। इसमें बॉसेस बैटल भी आपको देखने के लिए मिलने वाले। लिजार्ड विलन आपको इस गेम के अंदर मेन विलन आपको देखने को मिलने वाला है। इस गेम में आप जहाँ जाना है वह आप जा सकते हो और आपको बस कैमरा एंगल ठीक से रखना है। ये गेम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 का प्रोसेसर है, 7 जेन 2 का प्रोसेसर है और 8GB रैम का डिवाइस है तो ये गेम क्रैश कर रहा है। अभी ये गेम प्लेबल नहीं हो रहा, स्नैपड्रैगन 7 जेन 2 प्रोसेसर में और 8GB रैम में क्रैश कर रहा है ये गेम। तो अगले जितने भी वर्जन आएंगे सिमो V3, सिमो V4 उसमें शायद ये गेम 17-18-20 FPS पे चल जाए सिमो V3 इमुलेटर में जिसका स्नैपड्रैगन 7 जेन 2 का प्रोसेसर है और 8GB रैम है। स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का प्रोसेसर है और 16GB 12GB रैम में ये गेम शायद 17-18-20 FPS पे चल जाए। अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन क्रैश कर रहा है। और लास्ट गेम नंबर 1 पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। साइज इसकी 8GB है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 काफी अच्छा गेम मिलता है। ये भी गेम ओपन वर्ल्ड है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो विलन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे विलन है। आप इसमें ब्रेकिंग न्यूज का भी एक एनिमेशन आता है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। यदि स्पाइडरमैन ने किसी गुंडों को पकड़ा या उससे कुछ गलतियां हुई तो ब्रेकिंग न्यूज आती है, ये काफी रियलिज्म दिया है। ये मूवी से आप रिलेट कर सकते हो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 गेम। और ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर और 12GB 16GB रैम में ये गेम आपका 30-35-33 FPS पे चल जाता है, लैग नहीं करता। अभी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 क्रैश कर रहा है 7 जेन 2 में लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 चल रहा है, वर्क कर रहा है। अभी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 से इसके ग्राफिक्स और टेक्चर इनहेंस आपको देखने के लिए मिलते लेकिन ऑप्टिमाइज है ये गेम, काफ़ी अच्छे तरीके से इस गेम को ऑप्टिमाइज किया है। आप फ्री रोमिंग कीजिए और इस गेम का इंजॉय
आप जरूर कर सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर मेन मिशन आपको सारे मिलेंगे और साइड मिशन भी आपको इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।